पाकिस्तान की सेना ने जिसको आंखों से अंधा बताया था उसी ने हाथों से पाकिस्तान को साफ कर दिया। सिलाईकोट में जन्मा पायलट बनकर उड़ना चाहता था जहाज, बॉलर बनकर उड़ा ले गया पूरा पाकिस्तान। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने कर दी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, वीरेंद्र सहवाग ने निकाल दी हेकड़ी। आखिर 7 साल लगे जिम्बाब्वे को पाकिस्तान का बदला लेने के लिए, आखिर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का बदला ही ले लिया। तो क्या हुआ था पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में? लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की बहुत इंटरनेशनल बेइज्जती चल रही है। ये बेइज्जती सिर्फ एक ही आदमी ने की है, इस आदमी का नाम है सिकंदर राजा। सिकंदर राजा ने पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती शुरू कर दी, बाबर आजम की भी कप्तानी जाने वाली है। तो कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाथरूम वाली टीम भी बोल रहे हैं। एक झटके से सारा पाकिस्तान हिल गया है। नाम है सिकंदर राजा। तो सिकंदर राजा की पूरी कहानी क्या है? पाकिस्तान की जन्मभूमि में जन्मा सिकंदर राजा, अब पाकिस्तान को ही इसने बाहर का रास्ता दिखाया है। सिकंदर राजा का जन्म पाकिस्तान के सिलाईकोट में हुआ था। वो पाकिस्तान के वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन आंखों की जांच में फेल होने के कारण उसका सपना पूरा नहीं हो सका। इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ स्कॉटलैंड में चलते गए, जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल की। वो 2007 में जिम्बाब्वे के क्रिकेट से जुड़े। अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ हरारे में की थी और जीवन की सबसे बेहतरीन बॉलिंग में पाकिस्तान के खिलाफ करके मैच जिताया लिया। सिकंदर राजा को ना पाकिस्तान कोस पा रहा है ना तारीफ कर पा रहा है। काश सिकंदर को उस दिन आंखों का टेस्ट पास हो गया होता तो आज पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं हो रही होती। एक वक्त ऐसा लग रहा था पाकिस्तान की टीम अब मैच जीत लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिकंदर राजा ने सारा मैच ही पलट दे दिया। लेकिन अब लड़ाई ट्विटर पर आ गई है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आमने सामने आ गए हैं। जिम्बाब्वे पाकिस्तान के बदले की प्लानिंग 7 साल से कर रहा था, लेकिन जिम्बाब्वे को भी मौका मिला और बदला भी ऐसा ले लिया, सारे इशू में पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। तो आखिर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच क्या हुआ था? मिस्टर बीन, एमआर बीन एक किरदार है जो लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं। रोल एंटरिस्ट मिस्टर बीन का किरदार निभाते हैं, लेकिन साल 2016 में पाकिस्तान ने नकली मिस्टर बीन बनाकर भेज दिया। नकली मिस्टर बीन बनने वाली मोहम्मद आसिफ ने ऐसा धोखा दिया कि वहां की सरकार भी चकमा खा गई थी और पूरी सुरक्षा में उसका शो करवा गया। हालांकि बाद में वो भाग गया, तभी से जिम्बाब्वे बदले का प्लान कर रहा था और आखिरकार वो बदला पूरा ही हो गया। वीरेंद्र सहवाग ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का ट्वीट शेयर करते लिखा, वाह भाई क्या बदला ले लिया। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने लिखा था, वाओ क्या जीत है और पाकिस्तान अब असली मिस्टर बीन को भेजना। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भेज दिया, हम मानते हैं हमारे पास बीन मिस्टर नहीं है, हमारे पास एक से एक बढ़कर पाकिस्तान में अच्छे खिलाड़ी तो है। ये बदला जिम्बाब्वे ने सही ले लिया या गलत, आप हमें जरूर कमेंट करना। और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।